Good afternoon, everyone. How are you all? Good afternoon. Yes, good afternoon. चलिए तो आज जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे, द चैप्टर वी विल स्टार्ट टुडे दैट इज चैप्टर नंबर 4th. ये क्या आपका चैप्टर? चैप्टर नंबर 4th है. ओके, विपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी. ओके एवरीवन, आज जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे ये आपका, ये चैप्टर नंबर 4th है. ओके, हॉनिड्यू का चैप्टर नंबर 4th, विपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी. ओके, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप लोगों को काफी अच्छा लगेगा. ठीक है, और आप जब इस चैप्टर को पढ़िएगा ना तो इसमें काफी ज्यादा आपको इंटरेस्ट देखने को मिलेगा. कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ लोग जो है अपने फ्रेंड के साथ प्रैंक करते हैं. We will understand about it also. Okay. So, आपने जैसे देखा इसका जो हेडिंग है, विपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी. ओके, तो यहाँ पे जो लैप्स ऑफ मेमोरी की बात की गई है ना, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट लैप्स ऑफ मेमोरी, इट मीन्स दैट कहीं ना कहीं सम पार्ट्स ऑफ हिज मेमोरी. ओके, कुछ पार्ट उसके मेमोरी का जो कि वो भूल जा रहा है. अरे बस मैं ना, तो उसी की यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे. इसी पर बेस ये क्या है, स्टोरी है. वी हैव टू रीड अबाउट इट. ओके, बिफोर रीडिंग दिस चैप्टर, इफ आई आस्क अ क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू गाइस दैट इफ यू आर गोइंग टू फॉरगेट सम पार्ट ऑफ योर लाइफ, व्हाट विल यू रिएक्ट? क्या होगा आपका रिएक्शन? आप लोग का रिएक्शन क्या होगा? टेल मी एवरीवन, बताइए आप लोग मेरे को. ठीक है, कि अगर आप क्या करते हो, आपके लाइफ का कोई पार्ट भूल जाते हो, आपके फ्रेंड ने आपको याद दिलवाया, ये मेरे साथ कभी हुआ था क्या, ऐसा टाइप का थिंकिंग कभी आए तो क्या करोगे आप लोग? यू हैव टू टेल मी. कंफ्यूज पूर्णिमा इज सेइंग कंफ्यूज, ट्राई टू रिमेम्बर. सॉक्ड अविराज बोल रहे हैं सॉक हो जाएंगे. ओके, क्या कभी बेसिकली आप लोगों के साथ ऐसे हुआ है, कुछ चीज आप लोग भूल गए उसके बाद, अरे ये मेरे को तो याद ही नहीं था, ओ असल टाइप का? सर लगेगा मेरा मेमोरी भी खो गया है. अच्छा, सही में सिद्धि? अच्छा, सिद्धि के साथ ऐसा ही हुआ है? सिद्धि बोले यस सर. तो क्या सर रिएक्शन था सिद्धि का? टेल मी. ओके, तो देखो आप लोगों को ये समझ में आया ना, जैसे मैंने आप लोगों को पूछा कि आप लोग के लाइफ का क्या हो कि एक छोटा सा पार्ट जिसको आप भूलने लोगे, जो इंसिडेंट हैपन हुआ है उसको आप भूलने लोगे, देन हाउ विल यू रिएक्ट, कैसे आप लोग रिएक्ट करोगे? ओके, तो आपने बताया, ठीक है ना, आप लोगों ने अपना अपना कुछ, ठीक है ना, कंक्लूजन दिया, कुछ कुछ अपने बारे में बताया कि सर टोटली शॉक कंफ्यूज, आई बात समझ में ना. तो वैसे ही इस चैप्टर में विपिन चौधरी की जो चर्चा कर रहे हैं ना, वो समझते हैं अपने आप को, ही थॉट दैट आई एम नॉट फॉरगेटिंग एनीथिंग बट देयर फ्रेंड्स. ठीक है ना, जो उनके फ्रेंड हैं वो क्या कहते हैं कि नहीं, तुम एक जो रांची का ट्रिप है, बेसिकली यहाँ पे जो बात होगा ना वो रांची के ट्रिप का बात होगा इन 1958, जहाँ पे आपको 58 देखने को मिले, तो आप समझ जाइएगा कि एरा 1958 की चर्चा हो रही है. अरे बात समझ में ना, तो उस समय की बात हो रही है कि वो लोग बता रहे हैं कि तुम हम लोगों के साथ रांची गए थे, ठीक है, रांची में विजिट करने गए थे घूमने के लिए, और तो वो बोलते हैं कि ऐसा तक कुछ इंसिडेंट हुआ ही नहीं है जैसे को मेरे को मालूम रहे, अभी तक मेरे को लग रहा है कि मैं रांची नहीं गया हूँ. अरे बस समझ में ना, बट उनके 3-4 फ्रेंड्स उनको ऐसे डेलिबरेटली समझाते हैं, उनको लगने लगता है कि हाँ शायद मैं रांची गया हूँ और मैं ये चीज को भूल गया हूँ, तो वो काफी ज्यादा क्या होते हैं ना, आप ही लोग की तरह वो भी शॉक हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं. कौन? विपिन चौधरी. अरे बस समझ में ना, तो यही स्टोरी में पढ़ेंगे क्या ये रियलिटी में रांची गए थे या ये सारा कुछ क्या है, फिक्शन टाइप का है, कॉक एंड बुल स्टोरी. अरे बात समझ में ना, तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे. आप लोगों को क्या लगता है, आप लोगों को क्या लगता है, डिड ही विजिट रांची? टेल मी एवरीवन. यूस बोल रहे हैं सर लगेगा कि मेमोरी पावर वीक हो गया. यस सर, यस सर. अपर में बोल रहे हैं इट इज अ फॉल्स मेमोरी इफेक्ट.
देखो पीयूष बोल रहे हैं कि सर आपको लगा कि उनका फ्रेंड प्रैंक किया कर रहा था, तो शायद नहीं भी विजिट किए होंगे। ओके पीयूष, तो चलिए इसी चीज को, सही होता है। सही में वो विजिट किए रहते हैं अन्य। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे एंड वी विल अंडरस्टैंड अबाउट इट। ओके, इस सस्पेंस को हम लोग कायम रखते हैं, इस चैप्टर को पढ़ते हैं एंड आफ्टर दैट वी विल अंडरस्टैंड डिड ही गो देयर और नॉट। ओके, कि वो वहां पे गए थे कि नहीं गए थे, हम लोग सारा कुछ समझेंगे। ओके एवरीवन, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी को, बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी। देखो बेसिकली जो हमारा स्टोरी स्टार्ट होगा बिफोर यू रीड, उससे हम लोग स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को और समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो आप देखो बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले डू यू हैव अ गुड मेमोरी। सबसे पहले मैं आप सभी से क्वेश्चन पूछता हूँ कि बताओ मेरे को क्या आप सभी का मेमोरी जो है, मेमोरी पावर काफी अच्छा है कि ऐसा कुछ होता है क्या सब कुछ भी याद करते हैं? होता ही नहीं है, कुछ दिनों तक याद रहता है और उसके बाद में भूल जाता हूँ या भूल जाती हूँ। तो किन किन का मेमोरी है जो काफी अच्छा है ये बताओ, ईमानदारी पूर्वक बताना है, ऑनेस्टली बताना है। ओके, अदरवाइज तो आप तो समझ ही रहे हो, अगर ऑनेस्टली नहीं बताओगे तो। देखो श्रेया बोलिए नो सर, ऑलमोस्ट। पूर्णिमा बोलिए ऑलमोस्ट, माइंड। अच्छा अभी हम चेक करेंगे, आफ्टर टीचिंग दिस चैप्टर आई विल आस्क टू ईच एंड एवरी वन एंड आई विल नो दैट। नो सर, नो सर, देखो पहले ही उज्ज्वल अब पहले ही बोल दे रहा है नो सर मेरा नहीं है। ओके सिद्धि, है सर मेरा है, वेरी गुड सर मेरा अच्छा है। आदित्य, वेरी गुड आदित्य। मयंक बोले नो सर। ओके, तो आप लोगों ने अपने अपने बारे में बताया कि मेरा अपने अपने मेमोरी पावर के बारे में आपने बताया। ओके, ऑलमोस्ट अगर देखा जाए सभी का मेमोरी क्या होता है ना, काफी अच्छा होता है। ठीक है, अरे बात समझ में ना, हम लोग अभी ओल्ड नहीं हो गए हैं, बूढ़े नहीं हो गए हैं, हम लोग का मेमोरी पावर धीरे धीरे कम होते जाएगा। अरे बात समझ में ना, तो ये कोई नहीं बोलेगा कि मेमोरी पावर सर मेरा उतना भी कम नहीं। हाँ उज्जवल बोला है कि सर मेरा उतना भी कम नहीं है, वेरी गुड। अब देखो हुआ ना, हैज योर मेमोरी एवर प्लेड एनी ट्रिक ऑन यू? तो देखो यहाँ पर मैं पूछ रहा हूँ ये बताना, पहला क्वेश्चन क्या था, डू यू हैव अ गुड मेमोरी, क्या आप लोगों का अच्छा मेमोरी है? ठीक है ना, तो आप लोगों ने यस और नो आंसर दिया। अब बताओ क्या आपके मेमोरी ने कभी आपके साथ कोई ऐसा परेशान आपको किया, प्रैंक किया, ठीक है ना, कि ये लेकर आप काफी ज्यादा टेंशन में है कोई ऐसा चीज कभी भी मेमोरी के कारण? अरे आप लोगों के साथ तो हुआ होगा ही ना, जो जनरली सभी बच्चों के साथ होता है, सर मैं कॉपी लाना भूल गया, राइट, होमवर्क का। हाँ होता है कि नहीं होता है, भले आप लोग होमवर्क बनाए हो या ना बनाए, ये तो होता ही है, बोल ही सकते हो। हाँ सर, सर बहुत बार, मयंक बोल रहा है कभी कभी। ओके यस सर, हुआ ऑलमोस्ट के साथ हुआ है। ओके अब चलो अब देखते हैं क्या सर, एग्जाम में, एग्जाम में, अच्छा एग्जाम में भी हुआ है, वेरी गुड। अब देखो forgetfulness often puts you in a tight spot. अब समझना, जब आप किसी चीज को भूल जाते हो तो अक्सर ये क्या करता है, आपको किसी प्रॉब्लम में डाल देता है। ठीक है, अरे बात समझ में ना, किसी प्रॉब्लम में डाल देता है, किसी इशू में डाल देता है आप लोगों को। तो जैसे कि आप सिंपल से एग्जाम्पल ले सकते हो, आप लोग जब कभी कभी आप लोग बहुत अच्छे इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट्स हो आप सब, बट होमवर्क करने के बाद क्या करते हो, आप अपने नोटबुक को घर पे छोड़ देते हो, तो स्कूल में आने के बाद क्या मिलता है? जब टीचर से आप ये इशू करते हो, आप ये एक्सक्यूज देते हो कि सर मेरा तो कॉपी घर पे छूट गया है, बट आई हैव डन द होमवर्क विच यू हैव गिवन, जो आपने होमवर्क दिया है मैं वो तो कर चुका हूँ, बट मेरा जो नोटबुक है वो घर पे मिस हो गया है, छूट गया है, तब स्कॉल्डस टीचर स्कॉल्डस पनिशमेंट, पिटाई होता है सर। हाँ होता है ना, तो उसी के कारण क्या होते हैं, आप कोई टाइट स्पॉट, इट मीन्स प्रॉब्लम में फंस जाते हो, बट फॉरगेटिंग अ पार्ट ऑफ योर लाइफ कंप्लीटली। अच्छा शशांक बोल रहे हैं कि सर, सर बोलते हैं तुम क्यों नहीं छूट गए, अच्छा तुम क्यों नहीं छूट गए हो, वाह क्या बात है। ठीक है अब चलो यहाँ पे देखते हैं, वेरी गुड इन दिस। अब चलिए यहाँ पे आइए आप लोग, अब मैसेज कोई नहीं करेगा। ओके
कोई मैसेज नहीं करेगा. नाउ यू हैव टू फोकस ऑन योर स्क्रीन एंड अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी सेंटेंस. ओके एवरीवन, तो चलिए इन दिस स्टोरी अब देखो इसे यहां तक हम लोग पढ़े थे. बट फॉरगेटिंग अ पार्ट ऑफ योर लाइफ कंप्लीटली मे ड्राइव यू क्रेजी. बट अगर क्या होता है, एक पार्ट अपने लाइफ का, सारा कुछ आपको याद है ठीक है ना, बट एक पार्ट आपके लाइफ का जिसको आप भूल रहे हो तो वो आपको क्या करने लगेगा, क्रेजी करने लगेगा ना. क्या बोल सकते हो, ये मैं कैसे भूल गया. बट ऐसा थोड़े होता है. सपोज करो आपके फ्रेंड्स आपको बाय फोर्सली बोल रहे हैं कि पांच छह फ्रेंड्स मिलकर कि आप ना हम लोगों के साथ ठीक है मूवी देखने गए थे और आप इस हैबिट में हो मूवी देखने जाने को ठीक है. तो जब चार पांच फ्रेंड्स आपके बोलने लगते हैं तो इस बात को आप क्या करते हो, एक्सेप्ट कर लेते हो ना, करते हो कि नहीं करते हो, कर लेते हो बिकॉज आप उनके साथ बहुत सारे मूवी देखने गए हो ठीक है. तो उसमें एक हो सकता है कि हाँ देखे होंगे ठीक है. तो वो क्या होता है, तो लेकिन थोड़ी देर के लिए आप हो सकते हो ना कि क्यों मैं ऐसा भूल गया. अरी बात समझ में ना, कि कैसे ऐसे मैं भूल गया. अरी बात समझ में. तो यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है कि उनका अगर जो मेमोरी पावर है ना टोटली नहीं गया हुआ है. एक पार्ट जो बोला जा रहा है मेमोरी पावर ठीक है ना, जो मेमोरी है उनका, उसका एक पार्ट का बारे में चर्चा की जा रही है, जो एक इंसिडेंट उसके बारे में चर्चा की जा रही है कि उसको वो भूल जा रहे हैं. तो कंप्लीटली क्या होंगे, वो क्रेजी टाइप के हो ही जाएंगे कि मैं कैसे भूल सकता हूँ, सारा कुछ मेरे को याद है, ये कैसे मैं भूल सकता हूँ, हो सकता है ये गलत बात हो. राइट एवरीवन, होता है कि नहीं होता है. इन दिस स्टोरी, अब देखो इस स्टोरी में, ये कहानी में विपिन चौधरी गोज नियरली क्रेजी बिकॉज ही कैन नॉट रिकलेक्ट हिज स्टे एट रांची. अब देखो यहाँ पे भी यही बात है कि विपिन चौधरी क्या हो जाते हैं ना, परेशान हो जाते हैं काफी ज्यादा इस बात को लेकर ठीक है ना, कि वो रांची गए हैं और उस बात को, उस मेमोरी को वो रिकलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनको याद नहीं है कि वो कभी रांची गए. ओके, बट देयर फ्रेंड्स आर सेइंग दैट, उनके जो फ्रेंड हैं वो सभी बोल रहे हैं कि आप रांची हम लोगों के साथ गए हैं और ऐसा ऐसा वो इंसिडेंट और चीजों को बताते हैं जिनसे इनको रियलाइज होने लगता है कि हाँ मैं गया था बट आई डोंट हैव रिमेम्बर, मुझे याद नहीं है. ओके एवरीवन गेटिंग. अब देखो he has never been to Ranchi, he insist, वो अपने आप से क्या बोल रहे हैं, दबाव दे रहे हैं अपने आप पर, अपने आप को समझा रहे हैं कि मैं तो कभी रांची गया ही नहीं था. Though there are many witness to the contrary, what is the suspense all about? देखो contrary means क्या होता है, विरोध करना. ओके, जैसे वो बोल रहे हैं कि नहीं मैं रांची नहीं गया हूँ, बट उनके फ्रेंड्स लोग हैं, वो बहुत सारे फ्रेंड्स यानी विटनेस, वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं तुम रांची गए थे और ये सब इंसिडेंट तुमने मुझे बताया, वहीं पर मैंने वहां पर तुम्हारे लिए होटल बुक करवाया, ये सारा कुछ इनको बता रहे हैं ठीक है ना. इसी बात को लेके काफी ज्यादा क्या हो रहे हैं कि मतलब कि टेंस में आ जा रहे हैं कि इफ आई हैव विजिटेड देयर देन व्हाई डू आई हैव रिमेंबर्ड दिस ऑल थिंग्स, कि मुझे ये सारा कुछ याद क्यों नहीं है. ओके एवरीवन गेटिंग. चलिए तो अब हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं और जो ये स्टोरी है हमारा फर्स्ट सेकेंड थर्ड उनके पिक, उन समय उनके पास कैमरा नहीं था. ओके उत्कर्ष, जो आप सोच रहे हो ना कि अभी हम लोग जाते हैं और कहीं पे हम लोग के पास कैमरा होता है तुरंत लेकर पिक क्लिक करना स्टार्ट, ऐसा वहां पे नहीं था. ओके समझ में आ रही बात ना. वो उनको बता रहे थे कि आपने बहुत सारा बुक्स खरीदा, विच वी विल रीड. ओके हैव पेशेंस, यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग. ओके सो अभी तक जो मैंने बताया उसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. अरे बात समझ में. अब देखो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कहानी को ठीक है. अब देखो एवरी मंडे ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क विपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन एट कालीचरण इन अ न्यू मार्केट टू बाय बुक्स. ठीक है, एवरी मंडे यानी प्रत्येक मंडे की बात हो रही है. ठीक है, जब वो काम से लौटते थे, कौन, विपिन चौधरी, अपने काम से जब वो वापस आते थे ठीक है, तो वो कालीचरण के शॉप पे जाते थे. ठीक है, कालीचरण के बुक जो है ना, बुक स्टॉल, वहां पर जाकर और वो क्या खरीदते थे, बुक खरीदते थे, बुक्स. यानी इट मीन्स दैट उनको बुक पढ़ने का काफी ज्यादा पैशन था, फैसिनेटेड थे वो बुक पढ़ने का, हम बोल सकते हैं कि वो हैबिचुअल थे. ओके अब देखो वो कौन कौन से स्टोरी पढ़ते थे, क्राइम स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर्स. ओके, ही हैड टू बाय एटलीस्ट 5 एट द टाइम टू लास्ट हिम थ्रू द वीक. वो कम से कम कितना बुक खरीदते, एक बार में परचेस कर देते एटलीस्ट 5, बिकॉज वो मंडे को मंडे ही क्यों जाते थे वहां पे. ठीक है, और खरीदने के बाद वो 5 डेज जो उनका बुक रहता था, 5 बुक्स, वो उनके 1 वीक के लिए वो सारा बुक्स रहता था और विद इन वन वीक ही कंप्लीट ऑल बुक्स. ओके, वो सारे बुक्स को क्या कर लेते थे, कंप्लीट कर लेते थे. ओके एवरीवन, अब चलिए तो देखो ठीक है,
ही लिव्ड अलोन, अब वो कैसे रहते थे उनके बारे में चर्चा की गई है कि वो अकेले रहते थे, ठीक है ना। ये बाद में मालूम चलेगा कि उनके फैमिली मेंबर के कुछ लोग थे वो कहाँ पे रहते हैं, ठीक है ना। आफ्टर दैट वी विल ऑल्सो नो अबाउट इट, बट राइट नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड ओनली दैट वेयर डज ही लिव, जहां पर वो रहते हैं, ठीक है ना। ही लिव्स अलोन देयर, वहां पे वो अकेले रहते हैं। ओके एवरीवन, वाज नॉट अ गुड मिक्सर, वाज नॉट अ गुड मिक्सर मींस व्हाट, आप बोल सकते हो ना कहीं वो क्या थे, इंट्रोवर्ट थे। इंट्रोवर्ट कहने का मतलब होता है ना, जैसे कि आप एक एग्जांपल है, आप देखते होंगे जो लड़का बहुत ज्यादा बात करता है, आप देखिएगा आप ही लोग पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ओके बॉयज एंड गर्ल्स पे, तो आप देखते होंगे उनके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे क्योंकि वो काफी आसानी से सभी के साथ घुल मिल जाते हैं, राइट एवरीवन, यस और नो। बट जो लोग, ठीक है ना, फ्रैंकली नहीं होते हैं बात करने में, उनको थोड़ा सा हेजिटेट होते हैं किसी से बात करने में, उनके देखिएगा काफी फ्यू फ्रेंड्स होते हैं। ओके एवरीवन, काफी कम फ्रेंड्स होते हैं, राइट, होते हैं कि नहीं होते हैं, यस और नो। आ रही मेरी बात समझ में आप सभी को, आर यू गेटिंग एवरीवन, ओके यस। तो ऐसे ही था, ऐसे ही नेचर के कौन थे, दैट बिपिन चौधरी, ठीक है ना। बिपिन चौधरी जो थे ना वो भी ऐसे ही नेचर के थे, वो इंट्रोवर्ट थे, ठीक है, और वो मतलब यही कारण था, ही हैज सम लेस, ओके ही हैज सम फ्रेंड्स, उनके पास काफी कम फ्रेंड्स थे। ओके अब देखिए, अब देखो, तो ही वॉज नॉट अ गुड मिक्सचर, समझ में आ गया, हैड फ्यू फ्रेंड्स, ठीक है ना, उनके बहुत ही कम फ्रेंड्स है, एंड didn't like spending time in ideal chat. अब देखो, didn't like spending time in ideal chat. अब देखो, ideal chat कहने का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग देखते हैं ना, हम अपने आंटी, ठीक है, समझ में आ रही बात ना, मदर को देखते हैं, वो जाकर ठीक है बात करती है किसी औरत से, तो वो लोग क्या होता है, काफी देरी तक एक दूसरे से बात करते हैं, राइट एवरीवन, ये होता है कि नहीं होता है, होता है ना, राइट, वो लोग बात करते हैं एक दूसरे से, पीयूष यस सर, उत्कर्ष, अरे बस समझ में ना, बट जो मयंक बोला कि ये सर बहुत ज्यादा बात करता है, ठीक है, तो यहीं पर वो चर्चा की गया है कि आइडियल चैट मतलब वो किसी से बाहर के लोगों से ज्यादा मिलते भी नहीं थे और ज्यादा वो बात भी नहीं करते थे, बस उनकी एक हैबिट क्या थी, और इसीलिए आप बोल सकते हो कहीं ना कहीं उनकी हैबिट थी बुक्स को रीड करने की। ओके ओके एवरीवन, टुडे एट कालीचरण्स विपिन बाबू हैड द फीलिंग दैट समवन वाज ऑब्जर्विंग हिम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स, ही टर्न्ड राउंड एंड फाउंड हिमसेल्फ लुकिंग एट अ राउंड फेस्ड मिक लुकिंग मैन हु नाउ ब्रोक इनटू अ स्माइल, आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी। ओके अब देखो होता क्या है, ठीक है ना, नेक्स्ट मंडे आप बोल सकते हो, फिर क्या होता है, जैसे ही जो हमारे, ठीक है ना, विपिन चौधरी हैं, वो क्या करते हैं, ठीक है, वो कालीचरण के दुकान पर जाते हैं, ठीक है ना, वहां पर बुक्स लेने के लिए, तो देखते हैं कि कोई इंसान है ना उनके घर से ही उनको, ठीक है, फॉलो करते हुए जा रहा है। वहां पर जब जाकर उसके तरफ वो फेस करते हैं, घूमते हैं, तो देखते हैं कि एक इंसान सिंपल सा, ठीक है ना, जिसका राउंड फेस है, मेरी तरफ देख रहा है, और वो उसने स्माइल दिया, ब्रोक इन टू अ स्माइल, उसने मुझे स्माइल दिया। तब जनरली सी बात है कि आप देखिएगा, कोई भी आपको बाहर में मिलता है, ओके, इन द मार्केट, और वो पर्सन आपको स्माइल करते, इट मींस दैट द पर्सन, दैट पर्सन नोज यू, कहीं ना कहीं वो पर्सन आपको जानता है, राइट एवरीवन, ऐसे तो कोई आपको देख के स्माइल नहीं करेगा, कि कोई करता है, नहीं ना, करता है कि नहीं करता है, टेल मी, ओके, तो यहां पे अब देखो, ठीक है, आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी, हैव वी मेट बिफोर, आस्क बिपिन बाबू। अब जब स्माइल करता है ना, तो वो बोलते हैं कि आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी, ठीक है ना, मुझे लगता है कि आप मुझे नहीं पहचानते हो, क्या हम लोग इससे पहले कभी कहीं मिले हैं, कौन बोला ये बात को, विपिन चौधरी बोले, कौन बोले, विपिन चौधरी। देखो आइडियल चैट का मीनिंग भी अननेसेसरी रूटीन कन्वर्सेशन, मतलब कोई नेसेसरी नहीं होता है, इन स्पाइट ऑफ दैट दे टॉक ईच अदर, वो लोग अपने एक दूसरे से बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे मेक वर्ड यूज हुआ है, मेक का मतलब क्या होता है, हम्बल, ओके, तो यहाँ पर, ठीक है, विपिन चौधरी, ठीक है, जो है विपिन बाबू, ये विपिन बाबू यहाँ पे क्यों बोला जाता है, जनरली ना आप देखिएगा कोलकाता में जो है ना, वहां पे लोग बाबू कहकर दे कॉल ईच अदर, ओके। द मैन लुक ग्रेटली सरप्राइज, वो मैन जो था जिनसे इन्होंने बोला, ठीक है ना, कि क्या इससे पहले हम लोग कभी मिले हैं, वो काफी ज्यादा
सरप्राइज से उनकी तरफ बोलता है, वी मेट एवरी डे फॉर अ होल वीक, आई अरेंज फॉर अ कार टू टेक यू टू द हुदरू फॉल्स। अब देखो ये क्या बताते हैं, जैसे इन्होंने बोला ना कि क्या इससे पहले हम लोग कभी कहीं मिले, विपिन चौधरी ने बोला, देन व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ दैट पर्सन, उस पर्सन का रिएक्शन क्या था, ओके व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ दैट पर्सन, वो बोले कि मिलने की आप बात कर रहे हैं, अरे बात समझ में ना, सरप्राइज होकर कि मिलने की बात कर रहे हैं, हम लोग पर डे मिला करते थे, वी मेट एवरी डे फॉर अ होल वीक, एक सप्ताह के लिए, ठीक है ना, एक सप्ताह हम लोग पर डे मिले एक दूसरे से, आई अरेंज फॉर अ कार टू टेक यू टू द हुदरू फॉल्स, और मैंने ही आपके लिए क्या किया, ठीक है ना, अरेंज किया था कार्स का, जिससे आप जिस पर बैठकर आप कहां पे गए थे, हुदरू फॉल्स पे गए थे साइट पे, ओके। In 1958, कब, in 1958 in Ranchi, Ranchi में, my name is Parimal Ghosh, और मेरा नाम क्या है, Parimal Ghosh है, okay everyone, now Bipin Babu realized that it was not he, but now Bipin Babu realized that it was not he, but this man who was making a mistake, अब वो देखो वो क्या बोल रहे हैं, ठीक है ना, इसके बाद भी जो है विपिन बाबू वो क्या बोल रहे हैं कि वो मैं इंसान नहीं हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है, विपिन बाबू वाज थिंकिंग लाइक दैट कि ये मैं इंसान नहीं हूँ, ये किसी दूसरे इंसान की बात चर्चा मेरे से कर रहा है, और सही मायने में ये मुझे पहचान नहीं रहा है, बिकॉज उनको क्या लगता था कि ही हैड नेवर विजिटेड रांची, वो कभी भी रांची नहीं गए, ओके। तो देखो होता क्या है, विपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची, ही हैड been at the point of going several times but never made it, he smiled and said, do you know who I am, the man raised his eyebrow, bit the tongue and said, do I know you, who does not know Bipin Chaudhary, ab dekho hota kya hai, theek hai na, jab ye insaan ne bola, theek hai, ye sara kuch ki maine aap hi ke liye Hudru Hills jane ke liye car kiya tha aur 1 week hum log continuously per day ek dusre se mila karte the, okay, uske baad kya thinking tha, what was the thinking of Bipin Chaudhary, he thought that the person is doing mistake, okay, wo kya kar raha hai, kuch galti kar raha hai, because he is not recognizing me in a correct way, wo mujhe sahi tarike se pehchan nahi raha hai, I think that person is other, theek hai na, ye koi dusra vyakti hoga, okay everyone, कि ये कोई दूसरा व्यक्ति होगा और ये मुझे पहचान नहीं रहा है, तो फिर वन सेकेंड वो क्या करते हैं, वो क्वेश्चन करते हैं कि क्या तुम मुझे पहचानते हो कि हु आई एम, कि मैं कौन हूँ, तो बोलते हैं कि आपको कौन नहीं पहचानता है, ठीक है, आपको कौन नहीं पहचानते, कौन बोला, वो Parimal Ghosh, ओके, जो इंसान उनसे बात करे Parimal Ghosh, वो बोले कि आपको कौन नहीं पहचानता है, ठीक है ना, ठीक है, Bipin Chaudhary, देखो अब जैसे ही उन्होंने सुना ये बात, Bipin Babu now turned towards the book shelves and said, still you are making a mistake, ठीक है ना, अब वो book shelves की तरफ देख टर्न करके, ठीक है, अपने बुक्स को निकाल रहे थे और उन्होंने बोला कि अभी भी तुम ना कुछ मिस्टेक कर रहे हो, क्योंकि तो मैं तो रांची कभी गया ही नहीं हूँ, देखो उनको अपने भी मेमोरी पे काफी ज्यादा, ठीक है ना, बिलीव था, बट उनके साथ इतना ना ये सब विटनेस दे रहा है, एग्जाम्पल दे रहा है, ठीक है, इनको अपने आप पे बिलीव होने लग रहा है कि हाँ कहीं ना कहीं ये मैं भूल रहा हूँ, अरे बात समझ ना कि मैं गया ही हूँगा 1958 में, वन ऑफ एंड डज आई हैव नेवर बीन टू रांची, फिर से वो क्या बोलते हैं कि मैं कभी भी रांची नहीं गया हूँ, ओके, द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड, अब वो जो Parimal Ghosh थे, ठीक है, वो जोर जोर से हंसने लगे, व्हाट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी, आप क्या कर रहे हो मिस्टर चौधरी, यू हैड अ फॉल इन हुदरू एंड कट योर राइट नी, ठीक है, अब बता रहे हुदरू हिल्स में जब आप गए थे हिल्स पे, ठीक है, तो आपके पैर में ना कट आ गया था, देखिए राइट नी के पास आप देखिए कट है, ठीक है, आई ब्राउट यू आयोडीन, आई हैड फिक्स्ड अप अ कार फॉर यू टू गो टू नेथर हार्ट द नेक्स्ट डे, ठीक है ना, अब वो बता रहे हैं कि उसके बाद मैं आपके लिए क्या लाया था, आयोडीन लाया था, उसके बाद फिर से मैंने आपके लिए क्या किया, एक कार किया, और वहां से आप कहाँ गए, तो नेथर हार्ट गए थे, ठीक है ना, ये भी एक प्लेस है यहाँ पर विजिट करने के लिए, बट यू कुडंट बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी, ठीक है ना, बट अब नहीं जा सके, ठीक है, बट यू कुडंट, आप नहीं जा सके वहां पर, ठीक है, क्योंकि आपके नी में काफी ज्यादा क्या था, पेन था, अरे बात समझ में ना, कांट यू रिकॉल एनीथिंग, अब देखो वो जो
परिमल घोष है उनसे फिर क्या बोलते हैं, ये क्या आपको याद नहीं आ रहा है ठीक है कि आप गए थे मैं वहां पे आपके लिए ये सारा कुछ किया था। Someone else you know was also in Ranchi at that time, Mr. Dinesh Mukherjee, ठीक है ना, आप एक दूसरे इंसान को जानते हो जो भी उस समय आपके साथ थे, मिस्टर दिनेश मुखर्जी, आप उनसे बात कर लो ना, यू स्टे इन अ बंगलो, उनके बंगलो में आप स्टे किए थे, रुके थे। आदित्य फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सिट प्रॉपरली, बैठ के आप स्टडी करो तो, आदित्य सोए हुए हो, दिस इज नॉट गुड, आदित्य पहले बैठो तो आप, ओपन योर बुक एंड यू हैव टू सिट। सभी कोई ना बैठ के आप लोग स्टडी करो ओके। अब देखिए तो अभी ये क्या हो रहा था ना कि आप बोले कि आप मिस्टर दिनेश मुखर्जी जो हैं ठीक है उनके बंगलो पे आप वहीं पे स्टे किए थे, आप उनसे बात कर लो ना, इतना आपको याद नहीं आ रहा है। यू सेड यू डिड नॉट लाइक होटल फूड एंड वुड प्रीफर टू हैव योर मील्स कुक्ड बाय बावर्ची, ठीक है ना, कि आपने वहां पे हम लोगों से कहा था, यू सेड यू डिड नॉट लाइक होटल फूड, आपको ना होटल का फूड अच्छा नहीं लग रहा था, वुड प्रीफर टू हैव योर मील्स कुक्ड बाय बावर्ची, ठीक है ना, और आपको पसंद था कि कोई बावर्ची अच्छे तरीके से आपका खाना बनाए। ओके, मिस्टर मुखर्जी स्टे विथ हिज सिस्टर, ठीक है ना, और मिस्टर मुखर्जी वहां पर रुके हुए थे अपने बहन के साथ। यू हैड अ बिग आर्गुमेंट अबाउट द मॉम लैंडिंग, रिमेम्बर, ओके, You had a big argument about the moon landing, remember? अब देखो क्या होता है ना कि आप लोगों ने वहां पर एक बहुत ही आर्गुमेंट किया था, ठीक है ना, मून लैंडिंग पर, क्या आप सभी को याद नहीं है, क्या आपको ये याद नहीं है सारा कुछ? आई विल टेल यू मोर, मैं आपको और कुछ बताऊंगा, ठीक है। यू ऑलवेज कैरीड अ बैग विथ योर बुक्स इन इट, योर साइट सीइंग ट्रिप, एम आई राइट और नॉट? अब देखो, अब वो क्या कर रहा है ना, एक और उनको एग्जाम्पल दे रहा है और बता रहा है कि जिससे आपको याद हो जाए कि आप रांची में गए थे, आप याद कीजिए कि आप जहां भी जाते थे तो अपने साथ एक बैग को लेके जाते थे और उसमें आप कैरी करते थे बहुत सारे बुक्स को, ठीक है ना, और आपको अच्छा लगता था पढ़ना, क्या आपको याद नहीं आ रहा है? अब सोच लो कोई भी इतना सारा जो उनके साथ इंसिडेंट हैपन हुआ हो और वो कोई बताए तुमको, तो लगेगा ही ना कि हाँ 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 हो सकता है कि मैं गया हूँ, कहीं ना कहीं तो डाउट आने ही लगा होगा। वो ऊपर से कितना भी बोले कि मैं रांची नहीं गया हूँ, बट डाउट्स तो आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा कि वो रांची गए हैं। अरे बात समझ में ना, अब देखो, अरे आगे ना मालूम चलेगा ये फेक है या रियल है, हो सकता है कि इनके माइंड्स का ये भी तो हो सकता है ना कि फॉरगेट कर गए हो, भूल गए हो, वो इतना कुछ जानते हैं उनके बारे में तो रियलिटी भी तो हो सकता है। अब देखो ठीक है, अब पूछ रहा है एम आई राइट और नॉट, बताइए क्या मैं सही हूँ या नहीं हूँ, बताइए। तो बिपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, हिज आईज स्टिल ऑन द बुक, विच मंथ इन 1958 आर यू टॉकिंग अबाउट? द ओल्ड मैन सेड अक्टूबर, ओके, द मैन सेड अक्टूबर। अब देखो जब बिपिन बाबू पूछते हैं उससे कि अच्छा बताओ किस 1958 के किस मंथ की तुम चर्चा कर रहे हो, मेरे को बताओ तो मुझे जानना है, तो बोला कि अक्टूबर की मैं चर्चा कर रहा हूँ, अक्टूबर में, ओके, कि अक्टूबर में आप गए थे। नो सर सेड विपिन बाबू, तो विपिन बाबू क्या बोलते हैं, नहीं 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 मैं नहीं गया था, आई स्पेंट पूजा इन 58 विथ अ फ्रेंड इन कानपुर, ठीक है ना, 1958 में मैं क्या कर रहा था, ठीक है ना, पूजा में था, ठीक है, कार्ड कहाँ पे, कानपुर में अपने फ्रेंड के साथ। अरे बात समझ में, यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, गुड डे, बट द मैन डिड नॉट गो नॉट डिड ही स्टॉप टॉकिंग, ठीक है। अब उसके बाद इन्होंने बोला और बोलकर वहां से चाहा कि ये यहाँ से चले जाए, कौन, बिपिन बाबू, उसको क्या बोलते हैं, गुड डे। अरे बात समझ में, बट जो ये इंसान है इन पे इतना रेसिस्ट करता है, इन पे दबाव डालता है, उसके बाद भी वो बात करना बंद नहीं करता है, उनसे बोलता है, ठीक है ना, वहां से जाता भी नहीं है और उनसे बोलता है, वेरी स्ट्रेंज, वन इवनिंग आई हैड टी विद यू इन अ वरंडा ऑफ योर बंगलो एंड यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, यू सेड यू हैड नो चिल्ड्रेन एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 ईयर्स अगो, योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इन सेंस विच इज वाई यू डिड नॉट वॉन्ट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची, ओके। अब समझना ठीक है, अब वो क्या बता रहा है, फिर वो जो परिमल घोष थे ठीक है, जब ये गुड डे कहकर वहां से जाना चाहते हैं, फिर भी वो क्या करता है, वो उनसे बात करना स्टॉप नहीं करता है, और उसके बाद वो क्या बोलता है, बोलता है, बताता है उनको कि याद है आपको, एक इन द इवनिंग आई केम इन योर बंगलो, ओके, मैं आपके बंगलो में आया था, उस समय क्या हुआ,
कि हम लोग एक चाय पी रहे थे और आपने अपने फैमिली के बारे में मुझे बताया कि 10 years ago आपकी वाइफ क्या हो गई थी, ठीक है ना, डेथ कर गई हैं, ओके, और आपका योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इंसेंस, ठीक है ना, जो क्या हो गया था, इंसेंस मिस होता है पागल, ओके, और वो भी डेथ कर गया, विच इज वाई, यही कारण था यू डिड नॉट वांट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची, और यही कारण था कि आप मेंटल हॉस्पिटल रांची में विजिट करना भी नहीं चाहते थे, ओके, यानी उनके फैमिली मेंबर में ना ही उनके कोई बच्चे थे, ना ही उनका कोई भाई था और ना ही उनकी वाइफ थी, दैट्स वाई ही वॉज एलोन, वो अकेले थे। अरे बात समझ में ना, हम लोग स्टार्टिंग में देखे ना कि वो अलोन रहते हैं घर में, अब मालूम चला ना उनके फैमिली मेंबर के बारे में। गेटिंग एवरीवन, क्या सभी को समझ में आ रही बात? ओके, अब देखो जब इतना कुछ कोई बता दे, अरे बात समझ में, ठीक है, वो जब परिमल घोष ये सारा कुछ बता रहे हैं और प्रूफ दे रहे हैं कि नहीं, आप रांची गए हो, उसके बाद कहीं ना कहीं उस इंसान को तो बिलीव होने लगेगा कि नहीं होने लगेगा, टेल मी, बताइए आप लोग, होगा ना कि अभी देखो ये भी सोचने लगते हैं, अरे इसको इतना कुछ मेरे बारे में मालूम है, ठीक है, कम मैंने बताया, हो सकता है, अब देखो इनके माइंड्स में डाउट्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, व्हेन बिपिन बाबू हैड पेड फॉर द बुक्स एंड वाज लिविंग द शॉप, द मैन वाज स्टिल लुकिंग एट हिम इन आउटर डिसबिलीव। ओके, अब देखो जब उसके बाद सुनिएगा, बिपिन बाबू पैसा पे कर कर और बुक्स लेकर वहां से जा रहे थे, तब भी वो इंसान उनकी तरफ क्या कर रहा था, देख रहा था पूर्ण विश्वास के साथ, ठीक है ना, ठीक है, आउटर डिसबिलीफ यानी कि पूर्ण अविश्वास के साथ, ठीक है ना, द मैन वाज स्टिल लुकिंग एट हिम इन आउटर डिसबिलीफ। बिपिन बाबू, अब देखो सेकेंड वाले में हम लोग पढ़ते हैं, बिपिन बाबूज कार वाज सेफली पार्क इन बर्ड रैम स्ट्रीट बाई द लाइट हाउस सिनेमा, ही टोल्ड द ड्राइवर एज ही गॉट इन टू द कार, जस्ट ड्राइव बाई द गंगा विल यू सीताराम। ओके, अब देखो क्या होता है, बिपिन बाबूज कार वाज सेफली पार्क इन बर्ड रमन, ओके, बर्ड राम में स्ट्रीट है जहां पे, वहां पे क्या कर दिया जा, पार्क कर दिया जा रहा है, ही टोल्ड द ड्राइवर, वो अपने ड्राइवर से बोलते हैं, एज ही गॉट इन टू द कार, जैसे वो कार में गया, जस्ट ड्राइव बाई द गंगा, ठीक है ना, एक जो जगह है वहां की बात बोल रहे हैं, ठीक है, वीडियो सीताराम, जो ड्राइवर था उसका क्या नाम था, सीताराम, ड्राइविंग अप द स्टैंड रोड बिपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर, ठीक है ना, उस इंसान पर, यहाँ पे ना जो आकर अजनबी स्टैंड इंसान था और उनसे वो बात कर रहा था, उसके लिए ये इंट्रूडर वर्ड यूज किया गया है, ठीक है, और उसी के बारे में सोच रहे थे कि ठीक है वो कैसे इतना कुछ मेरे बारे में जानता है, क्या सही में मैं रांची गया था और नहीं, ही हैड नेवर बीन टू रांची, नो क्वेश्चन अबाउट इट, वो अभी भी क्या बोले हैं कि मैं रांची नहीं गया था, इसके बारे में कोई क्वेश्चन ही नहीं हो सकता है, इट वॉज इनकन्वीनिएबल दैट ही शुड फॉरगेट सच एन इंसिडेंट, ओके, विच टुक प्लेस ओनली 6 or 7 years ago, और वो बोल रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, ओके एवरीवन, ऐसा हो ही नहीं सकता है, और ये समझ के बाहर है कि जो इनकन्वीनिएबल मीन्स होता है समझ के बाहर, अरे बात समझ में ना, तो ये समझ के बाहर की बात है कि 6 and 7 years ago ये हुआ है और मैं इसको कैसे भूल जाऊंगा, उसकी ये चर्चा हो रही है यहाँ पे। ओके, ही हैड एन एक्सीलेंट मेमोरी अनलेस विपिन बाबू हेड रील्ड, अब वो बता रहे हैं ना उनके बारे में, अपने बारे में विपिन बाबू बता रहे हैं, उनका जो मेमोरी पापड़ है काफी बढ़िया है, अरे बात समझ में ना, ठीक है, और जहाँ पे वो जॉब करते हैं उसको लेकर भी इनको काफी ज्यादा क्या किया जाता है, ठीक है, सेंसियर माना जाता है, बट अब विपिन बाबू क्या हो चुके थे, विपिन बाबू हेड रील्ड, ओके, रील्ड मींस क्या होता है, अब देखो वाज शॉक्ड एंड कंफ्यूज, काफी ज्यादा वो शॉक्ड हो गए थे और कंफ्यूज हो गए थे, व्हाई वाज ही शॉक्ड, वो क्यों शॉक्ड थे, बिकॉज वो क्या सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं हो सकता है मे बी आई हैव विजिटेड देयर, ओके, मैं कहीं गया हूँ, बट वाई डू आई हैव नॉट रिमेम्बर, बट मुझे याद क्यों नहीं है, ही वाज थिंकिंग अबाउट ईच एंड एवरी एक्टिविटी, ओके, वो सारा कुछ सोच रहे थे, वाज ही लूजिंग His mind, but how could that be? ठीक है, he was working daily in his office. It was a big fund, and he was doing a responsible job, and he was not aware of anything ever going seriously wrong. Only today he spoke for half an hour at an important meeting, and yet, okay, अब देखो इनके वर्क के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है, okay, वो जहाँ पे वर्क करते हैं काफी ज्यादा सेंसियर पर्सन है, ओके, और आज ही, ठीक है,
जो मीटिंग हुआ है उसमें इंपॉर्टेंट मीटिंग था, उसमें इन्होंने आधे घंटे कंटिन्यूअसली बोला है, तो सोच सकते हो वो इंसान दैट द पर्सन हु इज स्पीकिंग इन द मीटिंग इज रियली अ सिंसियर पर्सन एंड लीडर पर्सन, ओके, बिकॉज लॉट्स ऑफ पीपल आर लिसनिंग इन, क्योंकि वहां पे क्या होता है ना, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो उस इंसान को सुनते हैं दैट द पर्सन हु इज स्पीकिंग, ओके, जो लीड कर रहा हो, तो आप समझ सकते हो कि उनका मेमोरी पावर कितना अच्छा होगा, इन स्पाइट ऑफ दैट ही वाज इन टोटली कंफ्यूजन, वो कंफ्यूजन में थे, अरे बात समझ में, वो टोटली कंफ्यूज हो चुके थे क्या मैं सही में गया हूं या नहीं गया हूं, ओके, एंड येट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम, हाउ ही इवन सीम टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स, द बैग ऑफ बुक्स, वाइफ डेट्स, ब्रदर इनसेंसिटी, द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची, नॉट अ मिस्टेक, अ डेलिबरेटली लाई. In 1958, during the puja, he was in Kanpur at his friend Haridas Bagchi's place. Okay, अब देखो ये सब सारा जो creativity है ना, वो सोचने लगते हैं, ठीक है, कि वो कैसे मेरे बारे में इतना कुछ जानता है, ठीक है, कि अगर मैं बात करूँ 1958 की, तो जरूर मैं कहाँ पे था, अपने फ्रेंड्स के पास था, किसके पास, हरिदास बागची, ठीक है ना, उनके घर पे गया था और मैं सेलिब्रेट कर रहा था, बट कहीं ना कहीं एक साइड ये भी था, हेजिटेट हो रहा था कि हो सकता है मे बी आई हैव विजिटेड देयर, ओके, अब देखो, ऑल बिपिन बाबू हैड टू डू व्हाट टू राइट, नो देयर वाज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास, बिपिन बाबू सडनली रिमेंबर दैट हरिदास हैड लेफ्ट विथ हिज वाइफ फॉर जापान सम इयर्स अगो एंड ही डिड नॉट हैव हिज एड्रेस, अब देखो होता क्या है ना, अब बिपिन बाबू सोचने लगते हैं और इसको कंफर्मेशन के लिए ही वाज थिंकिंग टू राइट अ लेटर टू हिज फ्रेंड, ओके, वो अपने फ्रेंड हरिदास को क्या करना चाहते थे, ही वाज थिंकिंग टू राइट अ लेटर, ओके, बट उनको सडनली याद आता है, अरे बात समझ में, कि कुछ, ठीक है, कुछ ईयर्स पहले वो कहाँ चला गया है, वो अपनी वाइफ को लेकर, ठीक है, जापान चला गया है और वहां का एड्रेस मेरे पास नहीं है, इट मीन्स वहीं से इसको कंफर्मेशन मिल जाता है विपिन बाबू को, क्योंकि वो सोच रहा था कि मैं तो अपने फ्रेंड के साथ था, तो जैसे मेरे को याद है, वन मिनट, ओके, जैसे वो बता रहे हैं, ही इज सेइंग दैट एज आई हैव रिमेंबर, जैसे मेरे को याद है, ओके, वैसे मेरे फ्रेंड्स को भी याद होगा जहां पर मैं गया था 1958 में कानपुर में, किसके पास, हरिदास बगीचीज, ओके, उनके पास, ठीक है ना, अरे बात समझ में, तो बट वो सोचे कि लेटर लिखकर और कंफर्मेशन कर लेता हूँ, बट जैसे ही वो सोचते हैं लेटर लिखने को, सडनली उनको रिमेम्बर होता है, याद आता है कि कुछ सालों पहले वो तो कहाँ चला गया, जापान चला गया, ओके, और वहां का एड्रेस मेरे पास नहीं है, ओके, तो देखो जहां से कंफर्मेशन इनको मिलने वाला था, ठीक है, और क्लियरली होने वाला था कि जो उनके फ्रेंड, क्या वो सही में रांची गए हैं या नहीं गए हैं, ये जो कंफ्यूजन था खत्म होने वाला था, वो अभी खत्म नहीं हुआ और सस्पेंस जो है वो अभी बढ़ते जा रहा है, ओके, एवरीवन, अरे बात समझ में, अब देखो, बट वेयर वाज द नीड फॉर प्रूफ, ही हिमसेल्फ वाज फुल्ली अवेयर दैट ही हैड नॉट बीन टू रांची एंड दैट वाज दैट, ओके, अब वो अपने आप को समझा रहे हैं, ठीक है, वो बता रहे हैं कि मैं, ठीक है, फुल्ली क्या हूँ, अवेयर हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं रांची नहीं गया था, अरे बात समझ में ना, मैं रांची नहीं गया था, आई वॉज नॉट एट रांची, ओके, अरे बात समझ में, वो कहाँ थे उस समय, एवरीवन, अरे बात समझ में ना, तो वो फुल्ली अवेयर कर रहे हैं और बता रहे हैं, ठीक है, वन मिनट गाइस, ओके, ठीक है, अब देखो, द रिवर ब्रिज वॉज ब्रैसिंग एंड यट अ स्लाइट डिस्कम्फर्ट लिंगर्ड इन द बिपिन बाबूज माइंड, बट अरे बात समझ में, ये सारा कुछ जानने के बावजूद भी, ब्रैसिंग भी होता है ना, स्टिमुलेटिंग, ठीक है ना, उनके दिमाग में ये सारा कुछ चल रहा था कि आज सही में मैं गया हूँ या नहीं गया हूँ, हो सकता है तो मुझे कहीं ना कहीं इनको माइंड में ये बैठ गया था कि मैं भूल तो नहीं रहा हूँ सही में, क्या मेरी मेमोरी जो है लॉस तो नहीं हो रही है, अरे बात समझ में, अराउंड हैशटैग बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउजर एंड टेक अ लुक एट हिज राइट नी, ठीक है, अब सारा कुछ सोचने के बाद बिपिन बाबू ने क्या सोचा है कि मैं अपने, ठीक है ना, ट्राउजर को क्या करता हूँ, ऊपर की तरफ उठाकर देखता हूँ क्या सही में कोई
कट का मार्क है कि नहीं है मेरे नी में। अब देखो होता क्या है, देयर वॉज द मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट, ठीक है ना, उनके नी पे क्या था, एक मार्क था कटा हुआ का, जैसे ही उन्होंने अपने ट्राउजर को उठाया राइट नी का, ठीक है, पैर का, और उठाकर देखा तो नी के पास देयर वॉज अ कट मार्क, वहां पे क्या था, एक कट मार्क्स था, ओके, एंड इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल वेन द इंजुरी हैड ऑकर्ड, और ये इनको याद ही नहीं था ना कि इंजुरी कब हुआ था। अरे बात समझ में, उन्होंने जब कट मार्क को देखा अपने नी पे तो कहीं ना कहीं हो सकता है बहुत पहले हुआ हो, या सही में ये भी हो सकता है कि उनकी मेमोरी पावर क्या हो गई हो, लॉस हो गई हो। अरे बात समझ में ना, ये देखेंगे मेमोरी पावर लॉस हुआ है कि नहीं हुआ है, बट उनको याद नहीं था, उनके राइट नी पे कट था, ये उनको याद ही नहीं आ रहा था कि कब ये कट लगा। अरे बात समझ में ना, कैसे ये बाउंड था, देखो उन्होंने उठाया ना अपने पैर को यहाँ पे बिपिन बाबू, और उनके पैर पे क्या है देख रहे हो ना, कट है, उठाकर देख रहे हैं। तो या सभी को समझ में आ रही है मेरी बात, टेल मी एवरीवन, यस और नो, एक बार आप थोड़ा मैसेज करो, तो मैसेज कीजिए आप लोग, एवरीवन हैज टू डू, वेरी गुड, सो आई विल आस्क टू ईच एंड एवरीवन, ओके सर, इंटरेस्टिंग है, हाँ इंटरेस्टिंग है, स्टोरी है काफी ज्यादा, एंड एज वेल एज यू हैव टू राइट ईच एंड एवरी वर्ड मीनिंग्स, ओके अब देखो वो क्या बोलते हैं, हैड ही नेवर हैड अ फॉल एज अ बॉय एंड कट हिज नी, अब वो क्या बोलते हैं कि बचपन में ठीक है कभी भी ऐसा नहीं हुआ था, ठीक है, कि मैं कहीं से गिरा हूँ और मेरे नी के पास कट लगा, ही ट्राई टू रिकॉल सच एन इंसिडेंट बट कुडंट, और वो बहुत ज्यादा कोशिश करते, रिकॉल मीन्स होता है ना याद करना, ठीक है ना, दोबारा याद करना किसी इंसिडेंट को कि कहीं पे मैं गिरा हूँ, बट उनको याद नहीं आ रहा था कि कैसे ये कट लगा है। अब विपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी, अब देखो जैसे ही उन्होंने कट देखा तो कहीं ना कहीं जो उनका डाउट था रांची जाने वाला, और कट याद ही नहीं आ रहा था उनको कि कब का इंसिडेंट हुआ और कैसे मेरे पैर में एक कट लगा, तब कहीं ना कहीं इनके ये माइंड में बैठने लगा कि हो सकता है मैं रांची गया हूँ, और ये चांसेस उनका बढ़ने लगा। अरे बात समझ में ना, और ज्यादा इनका माइंड क्या हो गया, अब कंफ्यूज हो गया, ओके, एम आई ऑडिबल एवरीवन, बिकॉज अनुपम इज सेइंग दैट योर साउंड इज नॉट कमिंग, एम आई ऑडिबल, फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीवन हैज टू मैसेज, बिकॉज लेट मी कम कंफर्म दैट, यस सर यू आर ऑडिबल, वेरी गुड, ओके चलिए, अब देखो होता क्या है ना, अब वो सोचने लगते हैं कि दिनेश मुखर्जी है जहाँ पे वो, ये परिमल घोष ने बताया कि आप उन्हीं के साथ रुके थे, स्टे किए थे उनके बंगलों पे, तब ये बोलते हैं कि रुको मैं ना ये दिनेश मुखर्जी है, उसी से क्या कर लेता हूँ, जाकर उससे बात कर कर, ठीक है, बात कर कर, ओके, और क्लियर कर लेता हूँ क्या मैं रांची विजिट किया था या नहीं किया था, किससे, तो दिनेश मुखर्जी इन द बिगनिंग ऑफ, याद आ रहा है जब वो बता रहा था परिमल घोष कि आप दिनेश मुखर्जी के पास आप गए थे बंगलों पे और आप वहां पे स्टे किए थे, आ रही बात समझ में ना। अब देखो देन विपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी, वो सडनली क्या होता है, सोचने लगते हैं दिनेश मुखर्जी के बारे में, द मैन हैड सेड दैट दिनेश वाज इन रांची एट द सेम टाइम, कि वो इंसान किसकी, द मैन यहाँ में किसकी बात हो रही है, ठीक है ना, परिमल घोष की, परिमल घोष ने मुझे बताया था, ठीक है, कि वो जो दिनेश जो थे वो आप ही के साथ रांची में उस समय थे, द बेस्ट थिंग्स यू ओनली कुड बी आस्क हिम, और बोलने की यही बढ़िया तरीका होगा कि मैं उससे पूछ लूं और कंफर्म हो जाऊं, ही लिव्ड क्वाइट नियर, ठीक है ना, He lived quite near Beninandan Street. What about going right now? But then, if he had already never been to Ranchi, what would Dinesh think? If Bipin Babu asked for a confirmation, he would probably conclude Bipin Babu was going nuts. Okay, अब देखो, अब ये क्या सोचते हैं? Okay, everyone, you have to understand. अब देखिए, उन्होंने सोचा है कि क्यों ना मैं दिनेश से ही पूछ लेता हूँ, जो दिनेश मुखर्जी हैं, ओके, वो एक्चुअली उनके घर के ज्यादा दूर नहीं था, थोड़ा इससे दूरी पर वो रहते थे, ओके, वो नियर था, उनका जो बेनिनंदन स्ट्रीट था, जो एड्रेस था ये
ठीक है ना, सड़क था वो ज्यादा दूर नहीं था, तो उन्होंने सोचा कि मैं उसके पास जाकर ये पूछ लेता हूँ। ठीक है, कौन बोले, विपिन चौधरी ने बोला कि पूछ लेता हूँ क्या मैं तुम्हारे साथ रांची में 1958 में था या नहीं था। ओके, बट आफ्टर दैट ही वाज थिंकिंग दैट इफ आई गो देयर फॉर आस्किंग एंड ही सेड दैट यस यू वर विद मी, डोंट यू हैव रिमेंबर, देन व्हाट विल ही थिंक अबाउट मी, ही विल थिंक दैट आई एम गोना मैड। ओके, वो क्या सोचेगा, उन्होंने बोला कि अगर मैं जाकर पूछता हूँ और वो कंफर्मेशन कर देता है कि हाँ मैं रांची में था, ठीक है, तो उसके बाद ये सोचने लगेगा, ठीक है ना, कि विपिन चौधरी जो है, ठीक है, वो अपने बारे में बोल रहे हैं, उन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं वो ये सोचने लगेगा कि मैं क्या होते जा रहा हूँ, अब पागल होते जा रहा हूँ, गोइंग मैड। सही बात समझ में ना। अब फिर वो क्या बोलते हैं, नो इट वुड बी रिडिकुलस टू आस्क हिम, और वो बोलते हैं कि ये सही नहीं होगा, बेतुका होगा उससे पूछना। ओके, एंड ही न्यू हाउ रूथलेस दिनेश स्कारसम कुड बी, और वो बोल रहे हैं ना कि वो स्कारसम मींस होता है ना किसी के मजाक उड़ाना, तुरंत किसी के बारे में बोल देना, ठीक है, तो वैसे टाइप का वो इसका इंसान था। हाँ वही, स्कारसम मींस टू टीज अ पर्सन और थिंक बाय यूजिंग अपोजिट वर्ड्स। ओके, किसी को परेशान करना, ठीक है, तो उस टाइप का उसका नेचर था, हमारी बात समझ में ना। और कहीं ना कहीं वो सारे लोगों से कहने लगेगा मेरे बारे में, तो उन्होंने सोचा कि नहीं, डायरेक्ट बात करना, उसके पास जाकर पूछना सही नहीं है। अगर वो बोल देगा कि हाँ मैं वहां पे गया था, उसके बाद उसको लगेगा कि आपको याद नहीं है, ऐसा कुछ वो मेरे से पूछेगा, उसके बाद ये सब वो सोचने लगेगा कि गोइंग नट्स। ओके, मीन्स मैं क्या होते जा रहा हूँ कि अब पागल होते जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये बेतुका है उससे पूछना, डायरेक्ट वो बोल बता रहे हैं, एंड ही न्यू हाउ रूथलेस दिनेश स्कारसन कुड बी। ओके, कि वो कैसे किसी का मजाक उड़ाता है, टीज करता है, वो अच्छे तरीके से सारा कुछ जानते थे। सिपिंग अ कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशन लिविंग रूम, विपिन बाबू फेल्ट अ इजी गेम सच अ न्यूसेंस जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू, दे गो अबाउट गेटिंग इनटू अदर पीपल्स हेयर। ओके, अब वो काफी ज्यादा गुस्से में आते हैं, ठीक है ना, सोचने लगते हैं सारी बातों को, कि देखो कि कुछ इंसान के पास कोई वर्क नहीं होता है ना, इसीलिए वो किसी के काम में क्या करते हैं, इंटरफेयर करते हैं, आई बात समझ में, उनको भी परेशान करते हैं। अब देखो क्या होता है, आफ्टर डिनर स्नगलिंग इन द बेड विथ वन ऑफ द न्यू थ्रिलर्स, विपिन बाबू फॉरगेट ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट। अब देखो क्या होता है ना, विपिन बाबू हैं जो, वो भूल जाते हैं सारा कुछ, अरे बात समझ में, और वो रेस्ट करने लगते हैं, जो भी वो न्यू मार्केट में वो इंसान उनसे मिला था और सारा कुछ उसने बताया। तो यहां तक स्टोरी क्या आप सभी को समझ में आया, टेल मी एवरीवन, बताइए आप लोग, सभी को समझ में आ रहा है। तो देखिए पीपल्स हेयर तक, ओके, इसके बाद आफ्टर दैट वी विल रीड इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, एंड इट इज अ हाई टाइम टू आस्क ईच एंड एवरीवन, एंड नो वन विल लीव द क्लास। अरे बात समझ में, ये नहीं कि सर अब नेटवर्क में प्रॉब्लम आने लगा, बिकॉज आई कैन सी ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स हु आर प्रेजेंट इन द क्लास, जो लोग भी प्रेजेंट है क्लास में मैं उन्हें देख सकता हूँ आसानी से। ओके, सो इट इज माई टाइम टू लेट मी आस्क टू ऑल ऑफ यू, मुझे आप लोगों से पूछ लेने दीजिए कि कितना आप लोगों को यह स्टोरी समझ में आया अच्छे तरीके से। ओके एवरीवन, गेटिंग, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंप्लीट, बिकॉज ये स्टोरी कुछ बड़ा है, हरी बात समझ में ना। तो आप देखिएगा तो इनको अभी तक कितने कैरेक्टर की यहाँ पर चर्चा की गई है, फर्स्ट इज विपिन चौधरी, सेकंड इज परिमल घोष, वो इंसान जो कहाँ पे मिलता है उनको, ठीक है ना, बुक स्टोर पे मिलता है, हरी बात समझ में। थर्ड पर्सन दिनेश मुखर्जी, जिनकी वो चर्चा कर रहे हैं कि वो क्या है, ठीक है, दिनेश मुखर्जी की चर्चा हो रही है, जो वो क्या है, ठीक है, वो रांची में वो बता रहे थे परिमल घोष, वो आपके साथ वो प्रेजेंट थे। ओके, तो ये थ्री कैरेक्टर्स अभी तक हम लोग चर्चा किए हैं, उसके बाद एक और कैरेक्टर थे, बताइए मेरे को एक और कैरेक्टर, ठीक है, दिनेश मुखर्जी। ओके एवरीवन, तो कहीं ना कहीं ये सारा कुछ आपको बताना है, वो कैसे उनको ये बिलीव दिलवाता है, ठीक है, उनके माइंड में लाता है कि आप, ठीक है, रांची गए थे और वो टोटली कंफ्यूज हो जाते हैं इसके बारे में। सो हु विल स्पीक फर्स्ट, पहले कौन बोलेगा। यस दिनेश नैतिक, हु विल स्पीक फर्स्ट,
ओके आदित्य अदर्स, चलो आप बोलो तो आदित्य बोलिए। यस सर। चलो समरी सुनाओ इस चैप्टर का। सर ये जो चैप्टर है सर आप जो पढ़ाए हैं सर, इसका समरी ये होगा कि सर जो पहले आप बताए थे कि सर ये जो है सर दिनेश विपिन विपिन बाबू है सर। ओके हेलो विपिन बाबू सर जो थे, सर विपिन बाबू जो थे सर पहले उनको बुक पढ़ने का बहुत शौक था, जिस जो क्राइम स्टोरीज था थ्रिलर था उनको पढ़ने का बहुत शौक था। तो एवरी मंडे जब अपने ऑफिस से काम करके आते थे तो वो एक बुक स्टोर पे आते थे। ओके सर जब वो बुक स्टोर पे आते थे तो सर एक दिन जब नेक्स्ट मंडे को वो बुक स्टोर पे गए तो वहां पे उनको एक आदमी मिला था। okay. जिस सर नाम उसका सर नाम नहीं याद आ रहा है। परिमल घोष। परिमल घोष। हाँ सर परिमल घोष। सर परिमल घोष मिला था सर। उसने बताया कि आप रांची गए थे, वहां पे आप अपने में से कार बुक कराया था और आप जब वहां पे सर कुछ कर रहे थे सर तो उनके पैर में कट लग गया था और सर वो अगले दिन। ओके ओके आदित्य सर तो सर वो अगले दिन जा रहे थे सर एक और जगह, वहां नहीं जा पाए थे क्योंकि वो उनके पैर में कट लग गया था और उनके पैर में बहुत पेन हो रहा था और सर जो उनको होटल का खाना नहीं अच्छा लगता था तो वहीं रुक गए थे। वहां पे उन मून लैंडिंग के बारे में वहां पे उनसे बहुत आर्ग्यू हुआ था। ओके तो सर ये सब जब उनको कुछ याद नहीं आ रहा था तब उनके जो एक दोस्त थे जो जापान शिफ्ट हो गए थे उनसे पूछे, लेकिन उनको वहां का एड्रेस नहीं पता था। ओके सर एड्रेस नहीं पता था और सर फिर सोचे कि मिस्टर मुखर्जी से पूछे तो सर वो मतलब वो सोचते थे कि वो मतलब बहुत वो क्या कहते हैं सर दूसरे में मजाक उड़ाते हैं। ठीक है। हाँ मजाक उड़ाते हैं तो सर वो उनसे भी पूछने गए, फिर उनके घर के कुछ ज्यादा दूर नहीं रहते थे, पास ही में रहते थे। ओके सर आप अभी वहीं तक पर हैं। यस सर। ओके नाउ पूर्णिमा लिसन आदित्य, फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन आदित्य अदर्स लिसन एज यू आर स्पीकिंग एंड ओके एज यू आर रीडिंग विद मी, जैसे आप मेरे साथ पढ़ रहे, यू मस्ट हैव टू कीप योरसेल्फ विद पेन एंड नोटबुक एज आई एम टेलिंग यू द एड्रेस। जैसे आप एड्रेस का नेम भूल गए, ओके यू हैव टू स्पीक। जब तक आप वो सारे चीज को कंक्लूड नहीं करोगे, आप ये जो पर्सन थे दिनेश मुखर्जी उनका नाम आप फॉरगेट कर गए, भूल गए, तो ये सारा कुछ एक बार पढ़ने से और ये कैसे कंप्लीट होगा, तो आप जब ना कैरेक्टर बेसिकली है उनके नेम को आप राइट कीजिएगा तब जाके सारा कुछ रिमेम्बर होगा। और उसके बाद जब आप समरी बोलिएगा ना तो आपको समरी सुनने में काफी अच्छा लगेगा। ओके नेक्स्ट टाइम आप सभी को ऐसे ही करना है, जब मैं आपको स्टोरी पढ़ा रहा हूँ जहाँ पे प्रॉब्लम तुरंत आप उसको अंडरलाइन करो, सर टेल मी द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड। ओके आप लोगों को पूछना है कहीं पे भी सेंटेंस में प्रॉब्लम हो रहा है, देन यू हैव टू आस्क। ओके आदित्य। यस सर। यस सर। पूर्णिमा विल स्पीक। पूर्णिमा। यस पूर्णिमा बोलिए। पूर्णिमा आप Yes, sir. The summary of the chapter, Bipin Chaudhary is a fond of reading books. Every Monday, he reads to the bookstore and read the books related to crime stories, ghost stories, and thrillers. And next Monday, when he visited bookstore, he found a man who was tracing him. Then the Bipin Chaudhary didn't recognize him. He asked the man that, do you know me? So then the stranger replied that I have. What is the name of that stranger, Purnima? Parimal Ghosh. Okay, very good. So the Parimal Ghosh replied that I have booked a car for you in the Ranchi, but the Bipin Chaudhary had no clue about the person. The stranger said that he has been to the Bipin Chaudhary has been to Ranchi in 1958. So then the Bipin Chaudhary realized that the man is making mistake. It was not the Bipin Chaudhary. So then he asked that, do you know me? The stranger replied, who don't know you?
and then again the Bipin Chaudhary saying that again he is misunderstanding Bipin Chaudhary. Then he said, no, you have been to Ratri and you don't like the hotel food, so you've been to Mr. Dinesh Mukherjee house and you have your meal cooked by Bawarchi. Then you have also an argument about moon landing, but the Bipin Chaudhary is still not remembering the fact. He tells the Parimal Ghosh that at that in 1958 I was been to my friend house at Puja in Kanpur. Then the stranger says that I know more about you, that one evening you told me about your family, that you have lost your wife 10 years ago and you have no children and your brother had gone insane. And then Bipin Chaudhary paid the money for the book and he leave the shop. And the man was looking him at utter disbelief. He was completely surprised about the nature, about behavior of the Bipin Ghosh. Now Bipin Ghosh was also confused that he is not remembering when he went to the Ratri. So he asked his driver Sitaram to drive the car by Ganga. So he thought that why not asking the Dinesh Mukherjee about the trip if he had ever been to Ratri. First he thinks to ask his friend, but then he remembered that his friend was shifted in Japan. So he thought that he should ask Dinesh Mukherjee that he had Bipin Chaudhary ever been to Ratri. Then he thought Bipin Chaudhary thought that Dinesh Mukherjee's behavior is cursed. He will start making joke on him. So he thinks it's better not to go with her because he will think that I am losing my mind as I am going old. So till here we have studied. Okay. Now Nayan, very good Purnima. Nayan. Speak. Hello. Yes, sir. Sir, this story is starting by telling us about a man whose name is Bipin Chaudhary. He has a habit to visit a bookshop and buy the books of his liking. One day, try to speak in Hindi and make me understand all me and also all about the story. Okay, क्या स्टोरी है आप मेरे को बताइए और सभी को बताइए इन हिंदी. And after that, after reading that, in once again, when I will ask to you, on that time you have to speak in English in your next class, okay? But today you have to speak in Hindi only, okay? Okay, sir. Sir, ये story start होता हम लोग बताते हैं एक आदमी के बारे में जो कि विपिन चौधरी होते हैं. आपकी तरफ से बैक की तरफ से साउंड आ रहा है बैकग्राउंड की तरफ से. ओके, सो आई विल टॉक टू यू आफ्टर सम टाइम्स. लेट मी आस्क फर्स्ट उत्कर्ष. ओके 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 उत्कर्ष स्पीक. सर हिंदी में बोले इंग्लिश में. यू कैन स्पीक इन एनी लैंग्वेज वेयर यू आर फीलिंग कंफर्टेबल टू स्पीक. In this story, we are studying about a man named Bipin Chaudhary who has lived in Mamoli. Every Monday, Bipin Chaudhary goes to a bookshop in at Kali Charan New Market, and he buys some books for a week, and he go buy some books for a week or 5 days. When he goes to the bookshop on a Monday, he met a man. He thought that anyone is chasing him from his house to the bookshop. When reaching at the bookshop, he turned over and seen that a man is standing behind him. The man told Bipin Chaudhary that
यस उत्कर्ष स्पीक सर हिंदी में बोले सर इंग्लिश में फंस रहे हैं ओके बोलिए सर वो जो आदमी था वो विपिन चौधरी जब पीछे मुड़े हाँ सर व्हेन विपिन चौधरी टर्न ओवर द मैन ओके ओके उत्कर्ष आफ्टर दैट Your voice is not coming. So let me ask Aparna. Aparna. Hello. Hello. यस सर गुड आफ्टरनून सर सो दिस स्टोरी इज बेस्ड ऑन द मैन नेम्ड विपिन चौधरी हु वाज वेरी फॉन्ड ऑफ बुक्स ही हैड अ हैबिट ऑफ बाइंग बुक्स फ्रॉम द कालीचरण्स न्यू मार्केट एंड ऑन एवरी मंडे एंड कंप्लीटिंग इट इन द होल वीक So one day he was buying a book and then he met a stranger. The stranger called him that his name was Parimal Ghosh. He told him that they met him at Ranchi. Vipin Chaudhary first thought that the man was confused. So he said that he had never gone to Ranchi. So he ignored him and then Parimal Ghosh didn't stop talking. He also said that Vipin Chaudhary was sir वो मतलब कह रहा था कि विपिन चौधरी होटल में रुका था रांची में और उसे वहाँ का खाना पसंद नहीं था उसने एक और इंसान के बारे में बताया जिसका नाम था दिनेश मुखर्जी ठीक है और फिर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया विपिन चौधरी लेकिन he was confident on his words so he उस समय वो कहता रहा कि मैं नहीं गया रांची he had never gone to Ranchi and then he asked the man that which month you are talking about the man said in the month of October then Vipin said that no he was at Kanpur on a puja with his friend in the month of October in 1958 so After all this conversation, Vipin Chaudhary brought the book and left the market. Then he called his driver Sitaram to go to the near river Ganga. And when he was in the car, he thought that मतलब वो सही था या फिर वो सच में जो मैन था जो परिमल घोष था वो सही कह रहा था कि वो रांची गया लेकिन उसको याद नहीं है विपिन चौधरी को सो He decided to write a letter to his friend, but then he remembered that his friend was at Japan. He left his country some weeks ago, and he had no address of him. So there was no any chance to collect information about that incident. But he was still thinking that he had never gone to Ranchi. But he was a little bit confused. So. When he also I sir main ek cheez batana bhul gaya also the man said told him about the private information of him like he told him that he knew his wife was he lost his wife 10 years ago he had no children and his brother died instantly that's why Vipin Chaudhary had never wanted to go to the mental hospital at Ranchi so He was confused and when sir abhi tak itna hi ho paya
ओके अपन में वेरी गुड. तो चलिए आज के लिए क्लास को इतना ही रखते हैं. ओके एवरीवन, थैंक यू सर. एंड नेक्स्ट योर क्लास एवरीवन हैज टू स्पीक द समरी. ओके नेक्स्ट क्लास में सभी कोई समरी बोलेंगे. दिस इज योर होमवर्क एंड एज वेल एज यू हैव टू अंडरलाइन. लिसन एवरीवन, योर होमवर्क, यू हैव टू अंडरलाइन द डिफिकल्ट वर्ड्स वेयर यू आर फेसिंग प्रॉब्लम. जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उसको आप क्या कीजिएगा, अंडरलाइन कीजिएगा. एंड यू कैन आस्क टू मी इन योर नेक्स्ट क्लास. ओके एवरीवन, ओके. तो चलिए आज के लिए क्लास को इतना ही रखते हैं. अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, वंस अगेन यू कैन आस्क, आप पूछ सकते हो. एनीवन गाइस, इज देयर एनी प्रॉब्लम एनीवेयर? कहीं पे भी किसी को कोई प्रॉब्लम, यू कैन आस्क राइट नाउ. ओके, नो प्रॉब्लम सर. ओके, तो चलिए आज क्लास को इतना ही रखते हैं. आप लोग वंस अगेन इस चैप्टर को फिर से पढ़िएगा जहां तक मैंने आपको पढ़ाया है. एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम योर ओन सेल्फ. ओके, जब आप अपने से समझने की कोशिश कीजिएगा और अच्छे तरीके से समझ में आएगा. इन नेक्स्ट योर क्लास आई विल आस्क ईच एंड एवरी वन समरी एंड आफ्टर दैट आई विल टीच. अभी बात समझ में? जहां तक मैंने आप लोगों को पढ़ाया है सबसे पहले मैं पूछूंगा, उसके बाद आप लोगों को फिर से मैं पढ़ाऊंगा. ओके एवरी वन, तो आज के लिए क्लास को इतना ही रखते हैं. Have a nice day to all of you. Take care, guys.